गुड मॉर्निंग आई सी एस सी एंड आई एस सी क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन जितने नज़दीक आ रहे हैं, बोर्ड के सारे प्रोसेस जो होते हैं, मतलब एग्जामिनेशन को लेके आपके लिए आंसर स्क्रिप्ट के ऑर्डर करना, वो आंसर स्क्रिप्ट आने के लिए प्रोसेस, सुपरवाइज एग्जामिनर और आपके एग्जामिनर, ये सारे प्रोसेस स्टूडेंट्स कंटिन्यू स्टार्ट हो चुके हैं। आपके इंटरनल असेसमेंट की मार्क्स की अपलोडिंग, तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस में स्टूडेंट सबसे पहले होता है सुपरवाइज एग्जामिनर और एग्जामिनर्स के अलॉटमेंट, जो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट सुपरवाइज एग्जामिनर हर स्कूल में जो अलॉट की जाती है वो, पर हाँ आपके पैकेट का जो ऑर्डर दिया गया था स्कूल की तरफ से, पैकेट मतलब कौन से आंसर स्क्रिप्ट, वो आंसर स्क्रिप्ट भी बोर्ड स्कूल में आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट, सुपरवाइज एग्जामिनर आएंगे, उस आंसर स्क्रिप्ट को चेक करते हैं, जिसपे स्टूडेंट्स आपके नाम्स, रोल नंबर, डिटेल, पूरी डिटेल लिखी रहती है स्टूडेंट्स उस आंसर स्क्रिप्ट पे। तो वो स्टूडेंट आ चुके हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स आंसर स्क्रिप्ट कैसा होता है लास्ट ईयर का एक, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट क्या हुआ था कि कोविड की वजह से आंसर स्क्रिप्ट जो आई थी ना उसमें डिटेल्स नहीं थी, मतलब आपके फोटोग्राफ और सब चीज़ें इसलिए नहीं थी स्टूडेंट, क्योंकि वो उस समय वहाँ पे कंफर्म नहीं था कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो आंसर स्क्रिप्ट है वो प्लेन आई थी, बारकोड के हिसाब से सब दिया गया था, फिर डिटेल्स हमने फिलअप की थी उसके अंदर। पर अभी जो आंसर स्क्रिप्ट स्टूडेंट आएगी, वो आंसर स्क्रिप्ट हमें आपकी डिटेल्स लिखी रहेगी, मतलब उसमें सारी डिटेल्स दी रहेगी, आपके रोल नंबर्स रहेंगे, आपका फोटोग्राफ रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर्स आपको हर 30 बच्चे पे दो एग्जामिनर और एक हॉल में एक सुपरवाइज एग्जामिनर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके इंटरनल मार्क्स भेजे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिकल जो क्लास 12th के वो कंडक्ट हो रहे हैं, जो कंडक्ट होंगे जिस दिन कंडक्ट होंगे उस दिन में प्रोसेस होने के बाद वो भी मार्क्स एंट्री जो एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेंगे उसके सामने होंगे स्टूडेंट। क्लास 12th के लिए स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं। क्लास 10th के लिए आपके स्कूल के ही जो एग्जाम सब्जेक्ट टीचर्स रहते हैं क्लास 9th के, वही आपके सब्जेक्ट वाइज एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस में कंटिन्यू चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम की जो भी डिटेल रहेगी मैं अपने चैनल के थ्रू आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा, चैनल बने रहिए स्टूडेंट्स। एक वीडियो और साथ में लिंक पर रखूँगा स्टूडेंट, जो आंसर स्क्रिप्ट का लास्ट ईयर का आंसर स्क्रिप्ट था उसमें क्या डिटेल थी और क्या इंस्ट्रक्शंस थे, जिससे आप देख सकते हो, समझ सकते हो स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे चैनल से आपको कंटिन्यू हेल्प मिलेगा, प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व करते रहना, मैं भी जितने उसमें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, चैनल बने रहिए।